2024 चुनाव की तैयारी हो चुकी है। सभी पार्टी अपने विधायक संसद को फील्ड में उतार चुकी है और कोशिश है कि 2024 लोकसभा में अधिक से अधिक सांसद दिया जाए। और इसी क्रम में जमशेदपुर में आशु पार्टी अपनी पूर्वी सिंहभूम के जिला कार्यकर्ता के साथ इसी विषय में विचार मंथन किया जा रहा है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। सुदेश महतो आशु पार्टी सह केंद्रीय अध्यक्ष सुप्रियो आज यहां आने वाले हैं। पूरा शहर में झंडा पोस्टर लग चुका है, सभी कार्यकर्ता दूर से आए हैं, वहाँ के जो महिला कार्यकर्ता है दूर से आए हैं, गांव से आए हैं, और एक एक विषय पर डिस्कशन किया जाएगा और ये जानने की कोशिश किया जाएगा कि इस प्रकार इस बार 2024 में किस प्रकार आशु पार्टी अपनी सीट को लेने के लिए संसद और विधायक इसमें कामयाबी कर रही। आइए वह जो सम्मेलन हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। सुदेश महतो जी अगर मीडिया से रूबरू होते हैं तो उनसे भी बात किया जाएगा और उसके बाद में कुछ जिला कार्यकर्ता, कुछ जिला संगठन, उनसे भी जानने का कोशिश किया जाएगा कि 2024 के चुनाव के लिए आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। अपने आने वाले कार्यक्रम महाधिवेशन के संकल्पों के संदर्भ में पार्टी के हर पदाधिकारियों को उसके दायित्व के नज़दीक ले जाने की तैयारी है। पार्टी का कोई पदाधिकारी ऐसा ना होगा, चाहे सेंट्रल का, जिला का, या फिर नीचे ब्लॉक स्तर का या पंचायत का, जो नित्यदिन पार्टी के दायित्व का निर्वहन ना करता हो। इस तरह से गतिमान पार्टी को करना है, ये भी हम लोग ने इस रूप से तैयारी की है और उसी के बारे में आज जिले में चर्चा हुई है। बहुत अच्छा, आप लोग फैसला किया कि महिला और युवा को आप लोग आरक्षण दे रहे, इसका कब से इम्प्लीमेंट? ये महाधिवेशन से शुरू हुआ और महाधिवेशन का जो सेंट्रल बॉडी बना है मेरा, उसमें रिजर्वेशन उसी तरह का है। आप उसमें आप देखेंगे कि यूथ 50% यूथ हैं, जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है, जो हमारे पार्टी के टॉप पदाधिकारी की सूची में है। 30% महिलाएं हैं जो सेंट्रल पदाधिकारी हैं और हमने ST SC OBC के तर्ज पर भी हमारा जो भी अदर्स हैं उनके लिए भी, और जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है उनका प्रतिनिधित्व भी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों में आपको दिखाई देगा। हमारा NDA में इसको लेकर कोई झिझक नहीं है, हम लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे। ये जरूर आज बोल सकते हैं कि 14 के 14 सीट हम लोग जीतेंगे। ये आएगा, ये समय आएगा, बताएंगे। आज की सनसनी में ये शामिल नहीं है, नहीं, ये तय है कि हम कहाँ लड़ेंगे और कुछ बातें हैं जो बाद में हम लोग कर लेंगे। नहीं, एडजस्टिंग तो है, इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, अभी होगा, अभी प्रारंभ है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, चूल्हा प्रमुख हर जगह पर, पूरे राज्य में आना है, राज्य में प्रत्येक गांव में पिलर मेंबर बनाना, महिला पुरुष पिलर मेंबर के रहेंगे और उसके बाद हमारा आगे नेक्स्ट होता है चूल्हा प्रमुख का। सर ये बहुत अच्छा मुद्दा, जो राज्य का बच्चे लोग का भविष्य खराब हो रहा है, इसके लिए बहुत अच्छा आपने बात उठा, इसका अंतिम क्या निष्कर्ष निकलेगा? ये संघर्ष जारी रहेगा। आपने अभी देखा, मेरी जानकारी नहीं थी, मैं जमशेदपुर आया तो आपने देखा 12 के परीक्षा भी लीक, उसके जो परीक्षा पत्र है वो भी लीक हो गया है। अब बताओ इस राज्य के अंदर बचा क्या, दायित्व तो कहाँ है, जिम्मेदारी कहाँ है, सरकार दिख कहाँ रही है, कौन है जिम्मेदार इसके लिए? 30% युवाओं को 50% जो संगठन में जगह दिया है, इससे नए लीडरों का निर्माण होगा, संगठन के भीतर नए नेता बनेंगे और इस राज्य के लिए नेतृत्व करेंगे। झारखंड का बेहतर कैसे होगा उसके लिए काम करेंगे। काम तो हमको वही करना है, जो काम हम जुगसलाई में करते हैं वही काम हमको ईचागढ़ में भी करना है, या झारखंड के अन्य विधानसभा में भी वही काम करना है, लोगों को जोड़ना है, पार्टी के नीति सिद्धांत उद्देश्यों को बताना है और इस विचारधारा के साथ लोगों को जोड़ के पार्टी को, संगठन को मजबूत बनाना है। मंगल कालिंदी जी को जुगसलाई विधानसभा के जनता ने जिस उम्मीद के साथ चुना था, आज जनता के साथ उस उम्मीदों में
पानी फेर दिया, उम्मीद के विपरीत आचरण कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मंगल कालिंदी जी, लोगों का जो जमीन छेकने का या छेकवाने का कहीं ना कहीं उसका रोल होगा, तबे ना पब्लिक बोल रहा। ये जांच का विषय है, जिला प्रशासन इसका जांच करे और दोषी के ऊपर उचित कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे, ताकि जो जमीन को लेकर के जो अक्सर अखबार में देखते हैं लगातार गैंगवार होता है, लड़ाई होता है, ये नहीं होना चाहिए, इसका जांच होना चाहिए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।